हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कोरोना वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कोरोना वायरस COVID-19 के नाम से जाना जाता है, एक भयावह बीमारी का नाम है जो चीन के वुहान शहर में फैला था, लेकिन अब तक यह कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया भर में तेजी से फैल चुका है। कोरोना वायरस मनुष्य और मानव जीवन के लिए बहुत संकट है और यह वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस होता है। ऐसा कोई भी देश नहीं बचा जहां यह वायरस ना पाया गया हो। यह वायरस मानव के बाल की तुलना से 900 गुना छोटा होता है और इस तरह से वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है जो मानव जीवन के लिए इतना खतरनाक हो। कोरोना वायरस का संक्रमण जिसे भी हो जाता है उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो क्या है वो पढ़ेंगे हम। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया था कि इसके लक्षण है बुखार, जुकाम, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ आदि। इस बीमारी के लक्षण है ये। इस बीमारी में सबसे पहले जो व्यक्ति को बुखार आता है और उसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है और यह परेशानी अंत में इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य अपना जीवन खो देता है। घर में जो बुजुर्ग है जिन्हें अस्थमा है, मधुमेह है, दिल की बीमारी है, उन्हें कोरोना से बचा पाना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि यह वायरस शरीर में तेजी से फैलता है और इसके साथ साथ घर में बच्चों को अगर यह संक्रमण हो जाए तो बच्चों को भी बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यह कोरोना वायरस कैसे फैलता है, अब देखते हैं कि फैलता कैसे है। ये भयावह कोरोना वायरस किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के छूने या उसके आसपास रहने से ही फैल जाता है। अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के किसी भी चीज को छुआ है और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने उस चीज को छू लिया है तो उसे भी कोरोना आसानी से हो जाता है। स्टूडेंट, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो। अगर किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए या लक्षण दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी को कोरोना वायरस का लक्षण दिखाई देता है तो वो सबसे पहले उसे किसी दूसरे के संपर्क में आने से दूर हो जाना चाहिए ताकि उसकी वजह से किसी और को यह संक्रमण ना फैल सके, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण दिखाई देने पर उसे तुरंत स्वास्थ्य विभाग के में कॉल करके सूचना देनी चाहिए या अस्पताल में जाकर कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि उन्हें बीमारी का पता चल सके, उस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है? बार बार अपने हाथ को साबुन से धोना चाहिए, खांसते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए और हाथ को अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए। हाथ को धोएं बिना अपने हाथ से आंख, मुंह, कान को नहीं छूना चाहिए क्योंकि यह वायरस इन्हीं तीन रास्तों से शरीर के अंदर जाता है। अगर हमने बाहर किसी चीज या किसी सामान को छुआ है तो तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें या साबुन से अच्छे से धो लें। ऐसा करने से कोरोना